अच्छा तुम्हारा तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैं तुम्हें शक्ल से तीन बच्चों का बाप दिखता हूँ क्या? और क्या? क्या यार कुछ भी। वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिलाऊं। पर जो नहीं खाता है वो जिंदगी भर पछताता है। एक पसंद आई थी पर वो किसी और की निकली। क्या करें, तब से बस मैं और मेरी तन्हाई अकेले में रहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो बताओ तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड में क्या खराबी थी? मुंह से बदबू आती थी क्या? मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा, एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ लेकिन उसे आज तक मैंने बताया नहीं। अच्छा तो डर किस बात का है, कर दो प्रपोज। आदित्य, एक लड़की होकर मैं उसे प्रपोज करूँ? मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ। लो, सैलरी के टाइम पे आदमियों जितनी सैलरी चाहिए लेकिन प्रपोज के टाइम पे लड़की बन गई। कौन मैं? हाँ? अच्छा क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जरूर प्रपोज करूंगी। मेरे एडिटर का मैसेज है, मुझे बहुत सारा काम है, बाद में मिलें क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, श्योर। रचना, जरा सुनो, मेरे एडिटर ने मुझे एक मूवी रिव्यू करने के लिए दो टिकट्स दिए हैं, तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूँ। तुम क्राइम डिपार्टमेंट में हो ना, तो तुम्हारा मूवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मूवी है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ तो आई एम श्योर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ओके बाय। ये लड़की तो बहुत फास्ट है, मुझसे भी दो कदम आगे है। तुम्हारा ड्रेस वाकई लकी है। हेलो, डिटेल्स लिखिए, नाम सुंदर, गाड़ी मोटरसाइकिल और उनका फ्लैट नंबर। वन सेकंड, बताओ टाइम क्या हुआ है? 11:30 मैडम। सुंदर का फ्लैट कहाँ पर है? हैं? पहले सीधा जाने का, पछि गार्डन आएगा, फिर खाने वाले हाथ की तरफ मुड़ जाओ। नेक्स्ट टाइम तेलुगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सबटाइटल नहीं देखना पड़ेगा। सबटाइटल के चक्कर में पूरी मूवी ऊपर से चली गई। अगर मेरे पास तकिया होता तो मैं वहीं सो जाती। इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती हैं। लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं इससे क्या मतलब? मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो भूत पिशाच आत्माएं, अब कौन जाने वो होती भी है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो होती हैं। जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है जिसे हम भूत आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं। अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी इसमें। इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है? नहीं, मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। आदित्य उधर देखो। कहाँ देखो? व्हाइट साड़ी में एक औरत, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी है, वो सामने से आ रही है। हाँ हाँ देखिए क्या खूबसूरत है यार। तुम जरा उतर जाओ, मैं उसे ले जाता हूँ। आदित्य, तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मार रहे हो ना?
क्या मतलब? लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक मारना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जाए। हेलो, बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है, और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है। विरासत में मिली क्या, है। क्या 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 मूवी के लिए थैंक्स, आई हैड अ रियली बोरिंग टाइम। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं मेरा बर्थडे नहीं है, क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नहा धोकर सज धज के आई हो ना इसलिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ? हाँ एक्चुअली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना। मतलब तुम मुझे रोज ध्यान से देखते हो। अब क्या करूँ मैडम, पेशा ही ऐसा है, क्राइम रिपोर्टर जो हूँ। इसका मतलब तुम दूसरों को भी ताड़ते रहते हो? नजरें सिर्फ उसी को देखती है जिसे देखकर सुकून मिले। अच्छा फ्लर्टिंग पे ब्रेक लगाते हैं, कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। यहां पर आइए। यहां पे ए विंग में B2 फ्लैट कहां पे है? वो मेरा फ्लैट है। ओ, जरा दो मिनट रुकिए। सर हाँ। हम जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो यही लड़की है। रचना तुम्हारे ही नाम है? मैं ही रचना हूँ, बात क्या है सर? एक घंटे पहले तुम्हारे फोन पे फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? अच्छा वो आपका कॉल था। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सिनेमा हॉल में थी। सिनेमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया कौन था वो? सर हुआ क्या है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? सॉरी मैं जवाब नहीं दूंगी, आखिर ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ। लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊँ? आप रॉन्ग एड्रेस पर आए, प्लीज चेक कीजिए। हम रॉन्ग एड्रेस पर आए हैं? हाँ ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ मेरा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे, वो चलेगा तुम्हें? बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे। बैठो, चलिए चलिए गाड़ी में बैठाइए। नहीं सर, ए चल 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 अंदर बैठ, चल सर शाड़ी में बैठ, चल बैठ तुम्ही। आपने बोला ना आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे पता चलेगा। हाँ सर से कहो लड़की मिल गई है, हम लोग स्टेशन आ रहे हैं। इसका फोन क्यों नहीं लिया? फोन छीनो इससे। सर सर प्लीज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आदित्य ऑफिस, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? ये वर्मा वाइंस में कुछ राड़ा हुआ है, एक यूनिट भेजो वहां पे। क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में झगड़ा हुआ था सर। झगड़ा? कैसा झगड़ा? रोज लड़ते थे क्या? क्या तुम्हारा पति दारू पीकर तुमको मारता पीटता और गाली देता था? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर। तो फिर कल रात को जब वो ऑफिस से घर लौटे और डिनर के लिए बैठे तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में थे, फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। जॉब? कैसी जॉब, कहाँ अप्लाई किया था? मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था सर, सिर्फ अप्लाई करने की बात कही थी और इसी बीच ये सब हो गया। खुद को संभालिए, हम आपके साथ हैं। कमला एक ग्लास पानी लेकर आओ। ओके सर। ये लो पानी। पानी पीजिए। आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया है। चल जल्दी चल। सर अंदर ही है ना? अंदर ही है सर। जरा वो फाइल्स लेकर आ। आराम से पीजिए। सर ये रचना है, एंट्री गेट पर इसी के साइन थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है सर, मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? सर सुंदर से मिलने आज छोकरी आई थी। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिए, क्या आपके हस्बैंड का कोई अफेयर था? अगर था तो बताइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर?
इस लड़की को पहले कभी देखा है? जानती है इसे? ध्यान से देख के बताइए। नहीं सर। ये लड़की दोपहर को आपके घर पर गई थी, पर हम नहीं जानते क्यों। कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर? ये कौन है सर? आखिर ये सब क्या चल रहा है? देखिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफेयर है? देखिए रोइए मत, अब आप घर जा सकती हैं। सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमला, किसी को भेज के इन्हें घर तक छुड़वा दो। ठीक है सर। प्रभाकर, आइए, इसे अंदर बैठाओ। आइए। आओ चलो। खुद को संभालिए। अंदर आओ। नहीं नहीं उधर नहीं, यहाँ बैठो। प्रभाकर सर, कौन है ये? वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर। ओ सर, क्या कर रहे हो तुम? केस की फाइल तैयार कर रहा था। अभी छोड़ो इसको, मेरे साथ आओ। लेकिन सर, सर आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। सुंदर क्या क्यों गई थी? कौन सुंदर सर? प्रभाकर रजिस्टर दो। ये नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? जी हाँ सर। दोपहर 11:30 बजे तुम वहाँ क्यों गई थी? सर मैं वहाँ जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ सर। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो? ज्यादा भोली मत बनो, जरा फोटो देना। देखो आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो इस हालत में था। अब बताओ क्यों मारा तुमने इसे? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबेल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहां से वापस आ गई, दैट्स इट। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर मुझे नहीं पता किसने मारा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम वहां गई क्यों? असल में सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ। अपने जॉब के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, उसी स्टोरी के सिलसिले में मैं सुंदर से मिलने गई थी। ऐसी स्टोरी और सुंदर के साथ उसका क्या संबंध? अब क्या बताऊँ सर? बताओ। सर आरके पुरम फ्लाईओवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उस फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए हैं सर। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसका कर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सबसे सुंदर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, दैट्स इट सर। सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे इसलिए तुम उसका इंटरव्यू लेने गई थी, यही ना? यस सर। सुंदर नहीं वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, ये तुम्हें कैसे पता? उस फ्लाईओवर पर एक बौना भिखारी भीख मांगता है, जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसका कर यू टर्न लेते हैं वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोट करता और मुझे दे देता है। सुंदर का नंबर भी उसी ने दिया था। ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर हमें यकीन हो सके। हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से बहल जाएंगे। ये बचकानी नहीं है सर। बचकानी नहीं तो और क्या है? चलो मान लेते हैं कि सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे तो इसलिए तुम उसे मार दोगी, मजाक है क्या? सर मैं तो उसके घर उसका इंटरव्यू लेने गई थी, बताया ना आपको। डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलंपिक गेम है जो इंटरव्यू लेना था? सर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपनी सहूलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है?